दोस्तों, आज तक आपने एरोप्लेन को, जहाज को हवा में उड़ता हुआ देखा होगा, एयरपोर्ट पर देखा होगा, लेकिन खेतों के बीच में, रोड के पास में हम आपको एरोप्लेन दिखाने वाले हैं। सर, ये लोकेशन कहाँ है? सर, ये क्या है? यहाँ पर आपने प्लेन खड़ा कर रखा है पूरा? ये जी चितौड़ा डिडवारी है जी, यहाँ पे जो गाँव का जो नाम है उसके पास में है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो। ये चालू कंडीशन में है या अभी बंद है? सर नहीं, ये चालू कंडीशन में नहीं है। सर, ये किस लिए खड़ा कर रखा है यहाँ पे? ये हमने रेस्टोरेंट बनाने के लिए लाया हुआ है, यहाँ पे रेस्ट एरिया है जी, तो यहाँ पे जो है ताकि लोग इससे लोग आकर्षित हो इसे देख के जी, ज्यादा से ज्यादा इसे देखने के लिए जी, इससे पब्लिक आएगी तो रेस्टोरेंट हमारा अच्छा चलेगा जी। अच्छा सर, ये कितने में लिया होगा? ये हमने 2 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ में लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ा ही शानदार और इतना बड़ा एरोप्लेन सर ने यहाँ पर लाकर खड़ा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बन रहा है। सर, इसके अंदर होगा रेस्टोरेंट? अंदर होगा जी। जी जी, प्लेन तो सभी ने देखा, अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, इसके कुछ आंतरिक चीजें आप हमें बता सकते हैं? जैसे इसमें ऑयल वगैरह कहाँ पड़ता होगा सर, इसमें इंजन कहाँ है, कैसे क्या है सर, थोड़ा वो गणित समझा दीजिए। ये जो बने हुए है जी दोनों साइड, इनमें इन्हीं के अंदर इंजन होता है। सर, ऑयल कहाँ पड़ता है इसमें, इसका जो फ्यूल होता है? जो साइड में जो बने हुए है जी। अच्छा, ये पंखुड़ियाँ? हाँ जी, पंखुड़ियों के ऊपर जो है। जी जी जी। अच्छा सर, सबसे खास बात ये है कि इसको यहाँ लाया कैसे गया है? सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसे हवा में ऐसे यहीं पर लैंड कराया गया कि यहाँ पे कैसे क्या लाया? इसको हमने जो है ट्रांसपोर्ट से लाया है। ट्रांसपोर्ट से? अच्छा सर, जो साइड वाले जो है इसको, ये जो खुल करके आया है बाद में यहाँ पे आके असेंबल हुआ। अच्छा, ये अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट द्वारा लोड होके आया, फिर इसको यहाँ पर पूरा असेंबल किया गया। सर, इसके अंदर भी कई क्या क्या मौजूद है? सर, अभी ये अंदर से पूरा खोखला है कि इसके अंदर कुर्सियाँ वगैरह, आगे वो पायलट रूम वगैरह सब? हाँ जी, पायलट रूम है। जी जी जी। और कुर्सियाँ जो हमने निकलवा दी है अभी, अपनी जो अपने इस हिसाब से, मतलब अपने तरीके से लगवाएंगे इसमें, जो भी टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, जो भी रेस्टोरेंट के हिसाब से। सर, अगर किसी को ऐसा प्लेन खरीदना हो तो वो कैसे खरीद सकते हैं? जो तरीका आपने अपनाया इसको खरीदने के लिए, वो क्या होता है सर? वो तो दिल्ली जो है वहीं से पता चलेगा जी। अच्छा अच्छा, ऐसे सर ऑक्शन वगैरह होता है? ऑक्शन वगैरह होता है गवर्नमेंट से ही। जी जी, बिट वगैरह लगती है जी, तो जो है उस तरीके से होता है। अब हम आपको इस प्लेन के नीचे से दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, इसके ये लैंडिंग गियर गायब हो जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो जाते कहाँ है, और ये भी बताएंगे कि ये यहाँ आया कैसे। भाई साहब, क्या कर रहे हो इस अंदर? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये जो आगे वाला एक लैंडिंग गियर है, मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है दोस्तों, ये इसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब ये टेक ऑफ करता है तो ये टायर ऐसे घूमती कंडीशन में ही ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, ये टायर यहाँ पर टिककर यहाँ पर ये घूमता घूमता बिल्कुल रुक जाता है। और दोस्तों, यहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं, भाई साहब पूरा काला हो चुका है। और दोस्तों, जिस तरीके से आपकी ट्रॉली ट्रैक्टर वगैरह में पंप ऑयल वगैरह चीज़ें काम करती हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी पंप है। आप देख सकते हैं ये इसके पीछे के दोनों लैंडिंग गियर है। अब दोस्तों, इसकी गणित क्या है कि जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है, ये लैंडिंग गियर इस तरफ खींचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पंप्स वगैरह है, लेकिन उससे पहले ये जो प्लेन के नीचे आप देख सकते हैं कटा हुआ, ये खुलता है इस तरीके से, ये नीचे खुलता है और ये लैंडिंग गियर इसके अंदर चला जाता है और वापस ये पैक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी इसकी यही गणित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, बड़े कमाल का वो छोटा सा पंप इस लैंडिंग गियर को पूरा अपने अंदर की ओर खींचता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, नया प्लेन भाई साहब 700 करोड़ रुपए में आता है, और ये देख लीजिए आप, खेतों में खड़ा जहाज। दोस्तों, इसको ऊपर हवा में टिकाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इसके दोनों तरफ की जो पंखुड़ियां है, ये इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो आप देख सकते हैं पहले इसकी स्पीड बना दी जाती है और ये पूरा बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा हमें नीचे से प्रतीत होता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार की दो छोटी पंखुड़ियां इसके पीछे भी है। तो ये होते हैं इसके दो इंजन। कभी आपने फिल्मों में सुना होगा कि एक इंजन बंद हो गया है, हमें लैंडिंग करना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से। दोस्तों, बहुत बड़ा है, हमको छोटा दिखाई देता है, लेकिन 2-3 आदमी इसके अंदर आसानी से खड़े हो जाते हैं।
हैं, इतना बड़ा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंडिया एयर इंडिया का प्लेन है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपकी सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप कभी इस एक्सप्रेसवे से गुजरे तो यहाँ पर विजिट भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।